दो नाम जो इस देश की शान है, एक नाम है आशा और दूसरा नाम है रफी। अभी कुछ दिनों पहले ही आशा जी का जन्मदिन था। आशा जी एक ऐसा नाम है जिसने शुरुआत तो एक सामान्य से गीतों से की, पर धीरे धीरे सुर बदलते गए। ऐसा कोई गाना नहीं होता था जो आशा जी अपने में नहीं बना लेती थी, चाहे वो गजलें हो, विदेशी गाने हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, हर गाना उनका होता है। और जब कैबरे की बात आती है तो आशा जी का हाथ आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, पर रफी साहब उनसे भी बड़े वाले। रफी साहब जो दिखने में इतने गंभीर, उनके इंटरव्यूज आज भी आप सुनिए तो लगता है कितनी धीमी सी, कितनी हल्की सी आवाज आ रही है, पर जब गाते थे तो उनसे ऊंचा, उनसे अच्छा कोई नहीं गा पाया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सीमा जी और संतोष जी को। गीत के बोल हैं, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। संतोष जी, सीमा जी। I'll give
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shukriya. Shukriya. Seema ji, rukiye jara. आपको मैं बता दूं ये वह नाम है जिन्होंने पिछले बार भी हमारे साथ गीत गाया था सीमा जी, जी। ये जो हौसले की बात कर रहे हैं वो हौसला इधर है उस जंग को जीती है जीत रही है और आप सभी का साथ चाहिए उस जंग को जीतने के लिए क्या साथ देंगे अपनी तालियों के साथ बता दीजिए हम सब आपके साथ शुक्रिया